you all on my YouTube channel. In this video tutorial, we will learn how to make Excel graphs. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ बनाते हैं जो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इज इक्वल टू एम ए, उसी का बना लेते हैं सिंपल सा. आपका एक कॉलम है, ठीक है, इसमें आप फोर्स ऐड कर लें, इसमें आप फोर्स की वैल्यूज ले लेंगे. अच्छा, तो फोर्स की वैल्यूज हम रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर लग रही है, ठीक है. फिर उसके 4 न्यूटन लग रही है, ठीक है. तो इस तरह आगे फोर्स लग रही है उसके ऊपर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए. तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक. ये ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है ना वो वैल्यूज़ को खुद बहुत कर देगा. अच्छा, तो ये फोर्स की वैल्यूज हो गई. उसके बाद अब यहाँ पे एक्सेलेशन की वैल्यूज लिख लेते हैं, या चले पहले मैथ की वैल्यू लिख लेते हैं. ये मैथ है, ठीक है. मैथ सब्जेक्ट का पहले 1.5 kg था, ठीक है जी. फिर उसका 3 kg था, इसी हिसाब से ना ये मैथ उसका इंक्रीज होता जाता है. तो ये मैथ की वैल्यूज आ जाएंगी अब. अब हम एक्सेलेशन की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं. अच्छा, पहले एक्सेलेशन फॉर एग्जांपल 4 m/s² हो रही है, ठीक है. फिर इसी तरह बढ़ती जा रही है 8 m/s, ठीक है, 1 m/s². इसी तरह हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके फिर इसको आगे ड्रा कर लेंगे नीचे. एक्सेलेशन की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास. इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं ताकि इसकी लुकिंग अच्छी हो जाए. और ये एक्सेलेशन की जो वैल्यू है इसको भी हम इसी तरह नीचे कर लेते हैं. अच्छा, तो इनको मैं थोड़ा इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है. अच्छा, आप देखते हैं हम कैसे एक्सेल के ऊपर ग्राफ्स बनाते हैं. तो सबसे पहले हम ना फोर्स और मैथ के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं. इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने फोर्स की वैल्यूज को सारी को सिलेक्ट करना है एक बार, ठीक है. सेलेक्ट कर लिया सारे को, फिर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और मैथ की वैल्यू फोर्स की वैल्यूज को आपने सेलेक्ट करना है. ये फोर्स की वैल्यू सेलेक्ट होगी, फिर आगे रखना है और फिर मैथ की वैल्यूज को सेलेक्ट. इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए आपने फिर इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, ठीक है. इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, आप इनमें से कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ये ग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, लाइन ग्राफ्स हैं, ठीक है. इस तरह ये भी हैं, ये वाले लाइन ग्राफ्स हैं, ठीक है. ये आप इस तरह के कोई भी ग्राफ बना सकते हैं. अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम ये ग्राफ ना चार्ट्स बनाते हैं. चलें ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आ गए हैं, ठीक है. चलें ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका ये जो ग्राफ है, जो चार्ट बन गया, आप इसको इसको एडिटिंग करने के लिए, मज़ीद इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये जो प्लस का ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करें, ठीक है. तो ये आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक्सिस टाइटल, ठीक है, एक्सिस टाइटल, डेटा लेबल. तो ये आप क्लिक करें, डेटा लेबल से आपको हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स और मैथ की वैल्यू आ रही है उसका पता चलेगा, ठीक है. तो बाकी भी हैं एरर बार, इसमें कितने हैं ये भी हैं, ठीक है. ये और भी सारे ऑप्शन हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मोस्टली ना मोस्टली ये जो पहले चार ऑप्शन हैं ये यूज़ होते हैं. तो हम अब क्या करते हैं, हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं यहाँ से. इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है. आप टाइटल लिखें, क्या है टाइटल, मैथ्स, ठीक है जी. अच्छा, तो ये जो आपका एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं, आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज देखें, हाँ, ये जो आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं ये फोर्स की वैल्यूज़ हैं,
जबकि जो आपके वाई एक्सिस पे हैं वो मैस की वैल्यूज हैं। तो ये आपकी फोर्स है यहाँ पे, वैल्यू है। इसको आप मजीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या करें, इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ, होम टैब में जाके बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया इतना, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे आपकी मैथ्स की वैल्यूज हैं, इसको भी आप चेंज कर लें यहाँ पे मैथ्स। इसको फिर आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना सारे को, यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं इसको और साइज इंक्रीज कर रहे ताकि क्लियरली ना ये नज़र आए, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ये जो टाइटल है ग्राफ का, इसको भी हम ऐसे ही बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा ना आपका ये जो ऊपर ऑप्शन है ना डिज़ाइन चार्ट्स, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, तो यहाँ से आप अपने ग्राफ का स्टाइल चेंज कर सकते हो सारे का, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के ना स्टाइल्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि ये ना इन इन पॉइंट्स के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ना फोर्स और मैस की वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें बेशक, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, ठीक है। ये जो एक्सिस की वैल्यूज़ हैं इसको मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी का फाउंट भी दे सकते हैं, फाउंट स्टाइल, और इसका साइज़ भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे ये इसको मैंने दोबारा करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने स्टाइल चेंज किया था इस वजह से। तो ये आपका आज का लेक्चर था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आप अपनी एकेडमिक लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के आपको ग्राफ्स और चार्ट्स के साथ वास्ता पड़ता रहता है, जब अपने आप फाइनल प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, और रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना होता है, डाटा एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो उसमें ये ग्राफ्स और चार्ट्स यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, बिजनेस वगैरह में, तो इनका बहुत यूज़ है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके पास लाता रहूँ।